नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हूँ समाचार के लिए की नई पेशकश में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बारे में। लोकसभा चुनाव जो अब हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में अभी होने हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं और फिर से भाजपा की सरकार बन चुकी है। लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया है। जी हाँ, लेकिन इस बार हमें बड़ा कांटे का जो मुकाबला है वो देखने को मिला। यदि हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी एक चेहरा काफ़ी निखर कर आया है और वो नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर वायरल रहते थे अपने बयान के कारण, लेकिन इस बार जो राहुल गांधी निखर कर आया है वो काफ़ी बदला बदला सा है। हम बात करें राहुल गांधी को लेकर, राहुल गांधी वर्सेज मोदी जो ये मुकाबला है काफ़ी अच्छे से लोकसभा चुनाव में हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से चुनाव जीते हैं और उनकी पार्टी ने जितनी सीटें लेकर लोकसभा में एंट्री की है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का मनोबल जो है बढ़ा है और इसी के चलते अब विधानसभा चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी काफ़ी सक्रिय दिखाई दे रही है। राहुल गांधी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेशों में इस बार कांग्रेस की सरकार बने। हरियाणा विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो राहुल गांधी ने 42 सदस्यीय एक बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदयपाल, लोकसभा में जीते हुए 5 सांसद व विधायक और पूर्व विधायकों की एक बैठक शामिल रही, जिसमें राहुल गांधी ने साफ तौर पर कह दिया कि इस बार का जो हरियाणा विधानसभा चुनाव होगा उसमें एकजुटता के साथ सभी नेताओं को एक मन से आवाज़ उठानी है और एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयानबाजी करने से बचना है। जी हाँ, राहुल गांधी चाहते हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, लेकिन देखना यह भी है कि कांग्रेस की बढ़ती हुई फूट राहुल गांधी की इस चेतावनी से कितनी थम पाएगी। जी हाँ, एक और राहुल गांधी की इस बैठक में पहुंची कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दोनों ही सीएम पद के लिए दावेदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी अपनी लॉबिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि इस बार का मेरा आखिरी चुनाव होगा, ताकि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए सहानुभूति मिल जाए और दावेदारी मुख्यमंत्री के लिए उन्हें मिल जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें इस बार टोकते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इसी तरह की बातचीत करते थे कि मेरा यह आखिरी चुनाव होगा, लेकिन यह स्टंटबाजी अब नहीं चलेगी, आप सभी को एकजुटता के साथ चुनाव लड़ना है और यह देखना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस कितना बेहतर प्रदर्शन कर पाती है, क्या एकजुटता के साथ दिखेगी या नहीं दिखेगी। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय अवश्य दें। राहुल गांधी की इस चेतावनी से हरियाणा कांग्रेस में कितना बदलाव आएगा। धन्यवाद।